हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी प्रिंस नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बचपन में आप सभी ने अपनी दादी जनानी से कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन अब क्या, अब कहानियाँ इंटरनेट से सुनते हैं। तो चलिए, आज इसी इंटरनेट की मदद से मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन हाँ, एक सच्ची कहानी, एक पेड़ की कहानी जो लोगों को अपना लव पार्टनर ढूंढने में मदद करता है, जो आज भी है, जिसे आप भी एक लेटर डिलीवर करके अपना लव पार्टनर ढूंढ सकते हैं, जिसका एड्रेस मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। और हाँ, इस वीडियो के बीच में कुछ रूल्स भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज से लगभग 130 साल पहले जर्मनी में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विलियम, और वो चॉकलेट्स बनाता था। और वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था मीना, और मीना भी विलियम से प्यार करती थी। लेकिन इस कहानी का विलेन यानी मीना का डैड, जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर थे, मीना के डैड को विलियम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मीना के डैड मीना और विलियम के रिलेशन के बारे में जानते थे, और उन्हें विलियम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो मानते थे कि एक चॉकलेट मेकर उनकी लड़की के लिए सही नहीं है। इसलिए उन्होंने मीना और विलियम को मिलने से मना कर दिया। अब विलियम और मीना तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, और मीना के डैड की वजह से वो एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए उन दोनों ने सीक्रेटली एक दूसरे से बात करने के लिए तरीका ढूंढा, अपनी एक सीक्रेट प्लेस ढूंढी, जो था एक ओक ट्री, जो मीना के डैड के फॉरेस्ट से कुछ ही दूरी पर था। मीना और विलियम ने उस ओक ट्री के होल में एक दूसरे के लिए लेटर रखने शुरू कर दिए, और वो वहाँ से एक दूसरे के लेटर उठाते और पढ़ते और उसका रिप्लाई करते थे। ऐसे ही कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन एक दिन मीना के डैड को इसके बारे में पता चल गया, और सरप्राइजिंगली मीना के डैड ने उन दोनों को शादी की परमिशन दे दी, और उन दोनों ने उसी ट्री के नीचे अपने सीक्रेट प्लेस के नीचे शादी भी कर ली। जब लोगों को इस कहानी के बारे में पता चला तो लोगों ने उस ट्री को नाम दे दिया बर्गर, जिसका इंग्लिश में मतलब है द ब्राइड ग्रूम्स ओक। लोग मानने लगे कि उस ओक ट्री में ज़रूर कुछ मैजिकल है, जिसकी वजह से मीना और विलियम की शादी हो गई, और इसीलिए लोगों ने अपने लव सीक्रेट लिखकर उस ओक ट्री में डालना शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो ओक ट्री बहुत ही पॉपुलर होने लगा, और 1927 आते आते वो ओक ट्री पूरे जर्मनी में फेमस हो चुका था, और उससे पूरे जर्मनी से बहुत सारे लेटर्स आने लगे, और इसीलिए उस ओक ट्री को अपना एक एड्रेस और एक पोस्ट बॉक्स दे दिया गया, और हाँ, उसे अपना एक पोस्टमैन भी दिया गया जिसका नाम था कार्ल हैंस मार्टिन्स, जो उस ओक ट्री को लेटर्स डिलीवर करता था। जब वो ओक ट्री पूरे जर्मनी में बहुत ही पॉपुलर हो चुका था, तब जर्मनी के एक टीवी चैनल ने उसे अपने टीवी चैनल पर दिखाया, और हाँ, मार्टिन्स का इंटरव्यू भी लिया, और मार्टिन से पूछा गया कि आप इस ट्री को लेटर्स डिलीवर करते हो और लोगों को अपनी लव पार्टनर ढूंढने में मदद करते हो, क्या आपको अपना लव पार्टनर मिला? और मार्टिन्स ने कहा नहीं। तब क्या था, इस इंटरव्यू के टीवी पर आने के कुछ ही दिन बाद मार्टिन्स को उस ट्री को एक लेटर डिलीवर करने को आया, जिस पर मार्टिन्स का नाम लिखा था। जब मार्टिन ने उस लेटर को पढ़ा तो मार्टिन्स को भी उसका लव पार्टनर मिल गया, और उसने उसी ट्री के नीचे अपनी शादी कर ली। दोस्तों, इस ट्री से यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं, जिसमें एक सोल्जर और एक लेडी की कहानी है, दो डिफरेंट कंट्री में रहते थे लवर्स की कहानी है, और भी बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं इस ट्री की मदद से आप अपना लव पार्टनर कैसे ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जर्मनी में जाते हैं और अगर आप इस ट्री के पास भी जाते हैं, तो एक रिचुअल्स है कि अगर आप फुल मून नाइट को इस ट्री के 3 चक्कर लगाते हैं बिना हंसे और बिना बोले, तो आपकी 1 साल के अंदर अंदर शादी हो जाएगी, फिर चाहे लड़का हो या लड़की। और अगर आपको शादी नहीं करनी, अपना लव पार्टनर ऐसे ही ढूंढना है, तो आप इस ट्री के पोस्ट बॉक्स से लेटर्स उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको उनमें से सिर्फ एक लेटर चूज़ करना होगा जो आपको सबसे अच्छा लगे, और उसी का रिप्लाई करना होगा, और बाकी सभी लेटर वापस उस ट्री में रखने होंगे। पर दोस्तों, मैं तो जर्मनी नहीं जा सकता, और आप में से भी कुछ नहीं जा सकते होंगे, तो हम क्या करें,
तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पर आपको उसका एड्रेस मिल रहा होगा। आप इस एड्रेस पर अपने लव सीक्रेट लिखिए और लेटर सेंड कीजिए। और हाँ, अपना एड्रेस लिखना मत भूलिएगा रिप्लाई के लिए। और जाते जाते अगर आपको ये कहानी झूठी लगती है तो ये है उस ट्री की रियल पिक्स। और हाँ, आपको इंटरनेट पर इस ट्री के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो कहाँ है, कैसा है, तो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप अपना लव पार्टनर ढूंढेंगे या नहीं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोज़ आप देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय वीडियो देखने के लिए।